सो गाइस सभी लोग का स्वागत है गैस स्टेशन सिमुलेटर की एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के अंदर। और अभी तक हम लोग ने अपने गैस स्टेशन के अंदर काफी सारे अपग्रेड कर लिए हैं। लाइक हम लोगों ने अपने गैस स्टेशन के बाहर दो दो पंप लगा दिए हैं, जिससे हम लोग एक ही टाइम पे दो दो बंदों को फ्यूल डाल सकते हैं। फिलहाल साइड में आप लोगों को मेरी वर्कशॉप देखने को मिलेगी। बाई चांस किसी की गाड़ी खराब हो जाती है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है उस गाड़ी के अंदर, तो हम लोग उसकी गाड़ी को भी यहाँ पे रिपेयर कर देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है अपने गैस स्टेशन के अंदर, वो ये कि गैस स्टेशन हम लोगों ने काफी ज्यादा अपग्रेड किया है, लेकिन यार ये गैस स्टेशन अभी भी काफी ज्यादा गंदा दिख रहा है। आप लोग हर तरफ देखोगे तो कलर है जो खराब हो चुका है और हर जगह सिर्फ गंदगी मची पड़ी है। और सबसे पहले ना मुझे इस डस्टबिन में से कूड़ा बाहर निकाल के फेंक के आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमरों को प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको बाहर फेंको। और अभी मैं अपने यहाँ पे एम्प्लॉय को बुलाने वाला हूँ और उसको ये सारा काम देने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कस्टमर काफ़ी टाइम से खड़ा है, इसको सामान चाहिए, तो सबसे पहले ना इसी का यहाँ पे हम लोग ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, वरना बेफालतू में अपनी पॉपुलैरिटी कम करके चला जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अपनी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और जो अपने लिए बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे अपनी पॉपुलैरिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे कस्टमर आना भी कम हो जाते हैं, तो उसमें अपना लॉस है। फिलहाल यहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉय को बुलाने वाला हूँ। और मैंने जिस एम्प्लॉय को काम पे रखा है, ये इतना बड़ा काम चोर है कि सारा दिन रेस्ट करता रहता है। सबसे पहले तो इसकी ये वाली पेमेंट करो। और अब इसको मैं टास्क देने वाला हूँ हैंडल द रजिस्टर का, क्योंकि यही काम ये सबसे अच्छा कर सकता है, बाकी काम इसे मुझे लग रहा है अच्छे से होते नहीं है। फिलहाल यहाँ पे सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं ना सोच रहा हूँ मैं सफाई के लिए भी एक एम्प्लॉय रख ही लेता हूँ, क्योंकि भाई इतना बड़ा अपना गैस स्टेशन है और सफाई भी हम खुद ही कर रहे हैं एम्प्लॉय रखने के बाद भी, जो कि भाई दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। फिलहाल ना गाइस मुझे ना आप लोग एक चीज़ दिखानी थी, पता नहीं आप लोगों को पता होगी कि नहीं, मुझे भी ये चीज़ अभी भी पता चली है कि हम लोग ना इस टूल की मदद से लोगों की गाड़ियों में से चोरी कर सकते हैं, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि हमारी गैस स्टेशन के अंदर जो कस्टमर आते हैं हम उन्हीं की गाड़ियों में से चोरी कर रहे हैं। फिलहाल जो गेम वालों ने चीज़ बनाई है भाई कुछ सोच की बनाई होगी, जो हमारा अचीवमेंट है वो हमें कंप्लीट करना है, जो हमें चैलेंज दिया गया है, तो हमें लोगों की गाड़ी में से चोरी तो करनी पड़ेगी। फिलहाल ना मैं इस गाड़ी के अंदर चोरी करने जा ही रहा था, लेकिन इन मैडम जी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। वैसे भी उस गाड़ी में मास्टर लॉक लगा हुआ था और मास्टर लॉक को तोड़ना थोड़ा सा हार्ड है, शायद से हो सकता है उन्होंने कुछ अपनी गाड़ी के अंदर कीमती सामान रखा हो, शायद से इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर यहाँ पे मास्टर लॉक लगा के रखा है। फिलहाल यहाँ पे एक कस्टमर आ चुका, तो उसको यहाँ पे फ्यूल डाल देते हैं। मैं यहाँ पे फ्यूल डालने में भी थोड़ी सी कंजूसी करने वाला हूँ, क्योंकि जितना हम लोग फ्यूल बचाएंगे उतना हमारे यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। फिलहाल इनको पता नहीं चला, कभी कभी क्या होता है ना कस्टमर को पता चल जाता है कि फ्यूल कम डाला है। फिलहाल यहाँ से मैं अभी अभी सफाई करके गया था और यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे किसी ने सफाई की भी हो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इतनी ज़्यादा गंदगी मचाते हैं, मैं क्या ही कहूँ। हमें ना दोबारा से यहाँ पे सफाई करनी पड़ेगी। और गाइस साथ ही मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि लगे हाथ यहाँ पे थोड़ी सी और गाड़ी के अंदर भी चोरी कर लेते हैं। भाई मुझे पक्का लग रहा है अगर किसी कस्टमर ने मुझे देख लिया तो वो पक्का पुलिस को कॉल करने वाला है और मेरा गैस स्टेशन यहाँ पे बंद करवाने वाला है। फिलहाल एक गाड़ी का यहाँ पे मैंने लॉक तो यहाँ पे खोल दिया है, पुलिस वाले की गाड़ी के अंदर चोरी करते हैं। भाई मास्टर लॉक तो नहीं लगा, नॉर्मल लॉक ही है, बट इसकी गाड़ी के अंदर देखते हैं क्या मिलेगा। अगर पुलिस वाला आ गया भाई बाई चांस तो पकड़ के पक्का जेल में डालने वाला है ये तो, क्योंकि भाई सीधा पुलिस वाले की गाड़ी में चोरी कर रहा हूँ। नॉर्मल बंदे की गाड़ी में चोरी करता तो चल भी जाता। फिलहाल यहाँ पे ये मास्टर लॉक नहीं है, फिर भी ये लॉक तोड़ना इतना ज़्यादा हार्ड था, लेकिन तुम्हारे भाई ने इस लॉक को भी तोड़ दिया है और इस वैन के अंदर मास्टर लॉक लगा हुआ है। और एक सेकेंड भाई, ये कौन से टाइप का मास्टर लॉक था यार। फिलहाल ना यहाँ पे अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ तो अनलॉक हुआ, तो फटाफट चल के देख लेते हैं कि क्या सीन है। तो मैं यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपने गैस स्टेशन का लेवल अप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया और यहाँ पे अपने गैस स्टेशन का लेवल अप हो चुका है, यानी कि यार अभी अपना गैस स्टेशन पहले से भी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है, जो कि अपने लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अभी अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारी नई चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी, जिससे हम लोग इस गेम के अंदर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और अपने बिजनेस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे फालतू के मेल आए हुए थे जिसको मैंने इग्नोर कर दिया, और यहाँ पे बाहर किसी का कॉल आ रहा है तो वो भी एक बार पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या ही सीन है। और वेट एक सेकेंड, मुझे सामने कुछ तो दिख रहा है, क्या ये एक बहुत बड़ा सैंड स्टॉर्म है? ये चीज़ मुझे गाइस बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अपने गैस स्टेशन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इससे, और यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इससे अपने गैस स्टेशन को बिल्कुल डैमेज नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसे ना अपने गैस स्टेशन को यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। फिलहाल यहाँ पे यहाँ तक मुझे लग रहा है कि सामने बहुत जोर की यहाँ पे लाइटिंग हो रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और ये सैंड स्टॉर्म धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। फिलहाल यहाँ पे एक कस्टमर है, इसको मैं फटाफट यहाँ पे फ्यूल डाल देता हूँ, ताकि ये तो यहाँ से निकल सके, ताकि ये ना बेचारा यहाँ पे अपने साथ ही इसी सैंड स्टॉर्म में फंस जाए। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है, जो कि बिल्कुल सही नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है फ्यूल भरवाने, और यहाँ पे ये सैंड स्टॉर्म धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन गाइस मुझे लग रहा है भाई प्लीज़ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने गैस स्टेशन को।
अंदर सब जगह सैंड ही सैंड हो चुकी है। मुझे लग रहा है इससे अपना गैस स्टेशन बहुत ज्यादा गंदा होने वाला है और कुछ दिख भी नहीं रहा है। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये आगे बढ़ चुका है और अभी अपने गैस स्टेशन को थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है यहाँ पे डैमेज तो होगा और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे इस ट्रैफिक को हटाना पड़ेगा। भाई साहब यहाँ पे तीन तीन पुलिस की गाड़ी है और तीन तीन पुलिस वाले हैं, लेकिन इनको ये नहीं है कि भाई एक सेकंड के लिए ये पब्लिक की हेल्प कर दें। और ये लोग उल्टा यहाँ पे मदद करने की जगह खुद ही गाड़ी को हॉर्न मारे जा रहे हैं और इनको ज़्यादा जल्दी हो रही है यहाँ से जाने की। भाई साहब हमें पता है तुम्हें ड्यूटी पे जाना है, बट इतनी भी क्या जल्दी है कि ये लोग आम पब्लिक की यहाँ पे हेल्प ही नहीं कर रहे। फिलहाल यहाँ पे मैंने जितना भी ट्रैफिक है उसको तो हटा दिया है और अभी अपने गैस स्टेशन की काफी ज्यादा हालत थोड़ी सी मुझे लग रहा है खराब तो हो चुकी है। फिलहाल अभी ना मैं अपने सारे गैस स्टेशन के अंदर दोबारा से पेंट करने वाला हूँ और इसको बिल्कुल नया बनाने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे व्हाइट पेंट करने वाला हूँ। पहले यहाँ पे कोई और पेंट था लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे व्हाइट पेंट अच्छा लगेगा। देखो ये थोड़ा सा मस्त लग रहा है, यहाँ पे भी एक बार व्हाइट पेंट करके देखते हैं। अगर यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो हम लोग बाद में भी चेंज कर देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहाँ पे मैं इन वॉल्स के ऊपर ये वाला पेंट करने वाला हूँ और ये लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है इन वॉल्स के ऊपर, क्योंकि व्हाइट व्हाइट से यार अच्छा नहीं लगता, पूरा गैस स्टेशन ही व्हाइट व्हाइट सा लग रहा है। और यहाँ तक मुझे लग रहा है ये पेंट ज़्यादा अच्छा लगने वाला है इस व्हाइट वाले से। हम लोग सामने यहाँ पे डिफरेंट देख सकते हो। फिलहाल अभी ना मैं फटाफट सारी वॉल्स के ऊपर यही रेड कलर करने वाला हूँ। फिलहाल गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम की मेहनत के बाद मैंने सब जगह यहाँ पे अच्छे से कलर कर दिया है और अभी आप लोग देख सकते हो पहले इसकी लुक कितनी ख़राब आ रही थी और अभी कितनी ज़्यादा मस्त लुक आ रही है। और साथ ही मैंने यहाँ पे वर्कशॉप के ऊपर भी कलर कर दिया ताकि ये भी दिखने में अच्छा लगे। पहले ना ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सा लग रही थी लेकिन अभी अपनी वर्कशॉप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारा पेंट गिरा पड़ा है जो मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे मैं सारे के सारे पेंट को साफ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कस्टमरों को नहीं तो प्रॉब्लम होती है। भाई फालतू में अपनी रेटिंग यहाँ पे कम करके चले जाते हैं। फिलहाल गाइज आप लोगों को पूरे गैस स्टेशन के अंदर यहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ टाइम के लिए गैस स्टेशन को बंद कर दिया था, क्योंकि जैसे मैं पेंट करना स्टार्ट करता हूँ कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है और भीड़ लग जाती है, जिसके बाद यार उनको संभालना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मैंने रात के टाइम पे अपने गैस स्टेशन को यहाँ पे बंद कर दिया था और अभी मैंने यहाँ पे अपने डस्ट बाउल को यहाँ पे वापस से ओपन कर दिया है। तो थोड़ी देर में यहाँ पे कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे पहले मैं एक बार चेक कराता हूँ सारी चीज़ें कि पूरी है कि नहीं। और यहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉय को भी वापस से यहाँ पे काम पे लगा देता हूँ क्योंकि मुझे ना उसको बार बार बताना पड़ता है कि जाके काम कर। फिलहाल मैं फटाफट यहाँ पे उसको बुला लेता हूँ। पहले तो उसकी यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, काम चाहिए करें ना, बट इसे पेमेंट जरूरी चाहिए, इसको रेस्ट करने की भी पेमेंट चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मैंने इसकी पेमेंट कर दिया और यहाँ पे इसको हैंडल द रजिस्टर का काम दे दिया है। फिलहाल यहाँ पे अपने पास एक डेकोरेशन का ऑप्शन अनलॉक हो चुका है जिसकी मदद से हम लोग अपने गैस स्टेशन के अंदर काफ़ी सारी नई नई चीज़ों को लगा सकते हैं और अपने गैस स्टेशन की लुक बहुत ज़्यादा औसम आने वाली है इन चीज़ों को लगाने के बाद। और यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी ओल्ड टाइप की चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी के टाइम पे मैं सिर्फ वही चीज़ें खरीदने वाला हूँ जो कि अच्छी दिखें, क्योंकि अभी के टाइम पे अपने पास इतने ज़्यादा पैसे है नहीं कि हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे खरीद लें। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मस्त मस्त हैं। यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे लैंप दिखा है, यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो सिल्वर वाला है और यहाँ पे गोल्ड वाला है। तो मैं यहाँ पे गोल्ड वाला ही परचेज करने वाला हूँ क्योंकि गोल्ड वाला ज़्यादा अच्छा दिखेगा, पूरा भाई ऐसा अमीर वाली फील आनी चाहिए कि अपने पास यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा हैं। कस्टमर जैसे ही अंदर आए भाई एकदम से शौक हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे गोल्ड वोल्ड अच्छे से रख के रखा है। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास एक स्टैचू है जिसको मैं सोच रहा हूँ एक अच्छी सी जगह पे लगाने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मस्त लगने वाला है, तो इसको ना मैं यहीं पे लगाने वाला हूँ। और साथ ही में यहाँ पे मेरे पास एक गोल्डन व्हील भी है जिसको मैं एक अच्छी सी जगह पे लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि इसको किसी अच्छी जगह पे लगाते हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल मस्त दिखे। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग इसको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक मुझे लग रहा है ये यहीं पे मस्त लगने वाला है। वैसे तो ये यहीं पे परफेक्ट लग रहा है, लेकिन मैं एक बार ना इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या हम लोग इसको बाहर भी लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग इसको बाहर नहीं लगा सकते, हम लोग सिर्फ अंदर ही लगा सकते हैं इसको। और यहाँ पे मेरे पास एक पुराने ज़माने का कॉफिन भी पड़ा है जिसको मैं सोच रहा हूँ कि लगाऊं कि ना लगाऊं, क्योंकि भाई अगर मैं इसको लगाता हूँ वैसे ही अच्छा लगने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो भाई कस्टमर कहीं ऐसा ना भाई देख के भाग जाएं कि भाई यहाँ पे तो कॉफिन पड़ा है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब बात हो जाएगी। यहाँ पर मैं लगा के देखता हूँ, भाई नहीं यार काफ़ी ज़्यादा भूतिया टाइप का एरिया लग रहा है ये, तो मैं तो इसको हटा ही देता हूँ, यहाँ पर कोई और चीज़ लगा लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक काफ़ी ज़्यादा मस्त लाइट्स वाई किए हैं जिनको मैं इस कोने के अंदर लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो मुझे लग रहा है ये इस कोने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने वाली है। फिलहाल अभी ने कहा हम लोगों ने यहाँ पे गैस स्टेशन के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड कर दी हैं, लेकिन बाहर से अपना गैस स्टेशन वैसा ही दिख रहा है, तो हमें ना आउटसाइड भी काफ़ी सारी चीज़ें लगानी चाहिए। यहाँ पे एक टेबल लग रहा है जो कि मैं सोच रहा हूँ परचेज करने का, यहाँ पे भी एक टेबल लग रहा है, देखते पहले क्या क्या चीज़ें मैं फिलहाल इसको परचेज कर लेता हूँ ताकि जो भी बंदा है
अगर उसको कुछ टाइम बैठना हो तो यहाँ पे आराम से बैठ सके। और यहाँ पे बाहर की साइड एक टेबल लग रहा है तो इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये भी काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। साइड में एक चेयर लग रही है और ये भी काफी ज्यादा मस्त लग रही है। साइड में एक और टेबल लग रहा है। भाई काफी सारी नई नई चीजें अनलॉक होती जा रही हैं जैसे हम लोग परचेज करते जा रहे हैं, लेकिन हमने बजट के अंदर ही चीजें परचेज करनी चाहिए क्योंकि अपने पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। वैसे तो अपने पास यहाँ पे 1000 से ऊपर के डॉलर हैं जिससे हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को बाय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने गैस स्टेशन के अंदर भी काफी सारी महंगी चीजें खरीदनी होती है। फिलहाल ना मैं यहाँ पे चीजें लगाए जा रहा हूँ लेकिन चीजें खत्म होने का नाम ही ले रही, एक से बढ़ के एक चीजें यहाँ पे आए जा रही है। फिलहाल यहाँ पे पीछे गैस स्टेशन लिखा हुआ आ रहा है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे परचेज कर ले, पीछे से भी यहाँ पे मस्त दिखेगा। और भी देखते हैं यहाँ पे क्या ही मस्त मस्त चीजें हैं। फिलहाल इसको तो मैं बिल्कुल परचेज नहीं करने वाला क्योंकि ये अपने गैस स्टेशन के बाहर बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे लिखा है मोटर ऑयल, यहाँ पे गैस लाइन, तो इसको भी परचेज कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद एक और चीज यहाँ पे अनलॉक होने वाली है। ओके यहाँ पे डस्ट वॉल अपने गैस स्टेशन का नाम अनलॉक हो चुका है जो कि बहुत मस्त दिख रहा है। बाहर की साइड भी यहाँ पे काफी ज्यादा मस्त चीज अनलॉक हो चुकी है। डन गाइस, अभी ना मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें परचेज कर ली और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी और चीजें परचेज नहीं करना चाहता क्योंकि भाई चीजें खत्म होने का नाम ही ले रही है, अपने पैसे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। लेकिन गाइस सच बताऊं ना, इतने में अपने गैस स्टेशन की लुक बहुत ज्यादा मस्त आ रही है। पहले अपने गैस स्टेशन की लुक कैसी थी लेकिन अभी बहुत ज्यादा मस्त आने वाली है अपने गैस स्टेशन की लुक। मैं आप लोगों को पीछे मुड़ के दिखा भी देता हूँ, ये देखो। अब गाइस सच्ची में ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी गैस स्टेशन के बाहर ही खड़े हैं। और गाइस आप लोग एक बार वीडियो की स्टार्टिंग में देखो और एक बार यहाँ पे आके देखो कि भाई कितना ज्यादा अपग्रेड हुआ है अपना यहाँ पे गैस स्टेशन। आप लोग को देख ही पता चल जाएगा कि अभी अपने गैस स्टेशन की लुक पहले से कितनी ज्यादा तकड़ी आ रही है। सो ऑल राइट गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। गुड बाय।